जरूर शुक्र है आप सो गए हो। चाह भी मेरी चाहिए थोड़ा ही किधर किधर से ठंडा हवा सकती से। व्यूअर्स इसके सोने का टाइम है और हमारा व्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन पहले मैं कंघी कर लूँ उसके बाद। आ जाओ मेरे कंघो। बेगम साहिबा आप पीछे से हट जाएं। अच्छा वैसे मैंने अगर पल आप क्यों बंद कर रहे थे तो मैं हमने जल्द बारू लगा वैसे पीछे बंद कर रहे हैं। वैसे व्यूअर्स जितने मेरे खूबसूरत बाल है ना मुझे ऊपर पौनी बांधनी चाहिए यहाँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू मेरी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? नहा धोकर रेडी हो गया हूँ। क्यों रेडी हुआ हूँ? ऑफिस जा रहा हूँ। कौन से ऑफिस? तू ही नहीं हैरत करूँ मैं, सही सच्ची ऑफिस में ना भैया भाने वाले ऑफिस। मेरा भैया कड़ा ऑफिस है व्यूअर्स? मैंने कौन सी जॉब करनी है, कौन से ऑफिस जाना होता है यहीं। खैर छोटा मोटा काम है वो मैं कर लूँ, ताकि मैं 500 ले चाह सब्जी मंगावनी पे तो हुसैन खुले जगह दिया मुमकिन मैं अगर पीछा थी वजाएं। यार एक तो 1 to 5 का ये डाढ़ा मसला होता है क्योंकि हुसैन खड़ा नहीं है ना, वो कहीं गया हुआ है तो इसलिए खुद लानी पड़ेगी। पत्ती आलू गोश्त टमाटर बस। व्यूअर्स बाइक में उस यूसुफ की लाया हुआ था तो पहले चलता हूँ यूसुफ के पास सीधा, बाइक उसके ज़िम्मे लगाता हूँ। यहाँ सामने पंप से कुछ पैसे उठाने हैं वो भी उठाता हूँ। व्यूअर्स जितना मट्टी है मैं फंसाने वाला हूँ, मेरे को लगता है इवें पे फाक क्या लगता है निकल वैसा इतनी मट्टी है एक हाथ नाल बाइक चलावानी मसला होंगे। वाह यार मैं तो निकल आया। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब, क्या हाल है? हमारे इधर चाचू की मस्जिद में तबलीगी जमात आई हुई है, रात इनको टाइम दिया था, आज भी दूंगा इंशाल्लाह। आ यूसुफ भैया अस्सलाम वालेकुम। रोजा जी को नमो सूर लगा खड़े मियां यूसुफ कुछ बकरियां बेची खड़े है सामने लोडर ते लोड छाने वाली छोटी बकरियां लोडर मतलब कैरी एक का गाल है पांच बकरियां हां। अच्छा पीछे 6 लाख दी बेची हुई बकरी जड़ी मैं को दा वो तो पार सेल ही कोनी। अच्छा पार सेल क्या वो 6 लाख दी बिकदी नहीं महंगाई है मस्त भाई नहीं। चल भाई जुलू चला जरा काम है वो की टीम पीछे में जी में हो सी है मैं चला एक मोटरसाइकिल चलावा पता नहीं की है शौक होने सर्दी लगदी वाला जुकाम क्या पे होने ले भाई जान ये कुल तुसा दसो इना बणदे मोटरसाइकिल चलावा ये उड़ा वने हवा नाली दू झोंके आप में तू गया। ये बकरी विक तो नहीं गई? नहीं ये ना बेचारी सोनी बकरी वदी रहे शक्ला ने नहीं तेरे इब्राहिम कपड़े भी तेरे दे एक ही हूं लाहौर तक वैसे बकरियां। अच्छा मांगा मांगा निकल रहे थे बाकी यार इना भाईया दा उठा फार्म हो सी ना यो जे बकरियां लाड किने ने थोकड़ी खाऊं चा केड़े केड़े बकरियां चल आगा कर उना उठा दिलो निकला खा ले खा ले लड़ाई मां यार और ले लता को कुछ और सुल्तान गया लनो बे प्यार मोहब्बत नाल। चलो जी एक बकरी लरीज गई वे वाले वाले साहब ना क्या से मेरे वाले साहब इन दुनिया दे कोनी मियां मोहम्मद इकबाल। चल जोल पिछा मोड़ चौक में से लेते हैं सब्जी क्या हाल है अल्लाह का शुक्र सलाम अपना कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैं करो आलू दो चाहे 1 किलो ते टमाटर दो चाहे 1 पाव कुछ खीरे पा दो ते खीरियां दे नाल नाल भाई के चीज पालक दे चाहे 2 गठड़ियां पालक दे बेटा गोश्त कितों गिन होए जो सामने वाला ठीक है व्यूअर्स मैं यहाँ से पत्ती ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया क्या हाल है खैरियत थे एक पत्ती दो चाहे तपाल अगर सही है वाइटल दो चाहे 1.5 किलो वाली है 1.5 किलो वाली दो चाहे 100 रुपए की जल्दी ख़त्म हो जाती है ना इसलिए थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। महीना चल वैसी व्यूअर्स बाकी तो हर चीज़ ले ली है लेकिन गोश्त नहीं मिला वो यहाँ से लेते हैं सामने से इधर रुके खबे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया 1/2 किलो गोश्त दिवा है साफ सुथरा क्या करें उन्हें 1/2 किलो साफ सुथरा गोश्त दिवा है हाथों तो आप छुड़वा बने शापर जी में छुड़वा ये गोश्त ना नाल चाहिए बने वो मैं को दिखा ठीक है नहीं ना और तेरी खा अल्लाह मदद ये 1/2 किलो गोश्त नाल तेरे गुजारा थी ना घर था और तेरी खा जिठा भी लूने में
दे दे हर चीज दे क्यों मेरे को घरों खले कर मैंने ओके बाय बाय तो मैं वेट में खड़ा हूँ सेले जा रहा है लिया से तो चूंकि आपको पता है दो तीन दिन चार दिन पिछले हमने गुजारे हैं सुफियान लोगों से घास वगैरह लेकर अभी अपना घास छोटा है ना वो काट नहीं सकते ये वाला घास या वो वाला ये कम अज़ कम इतना हो जाएगा कि बंदा हाथ से इसको काट सके फिलहाल इतना छोटा है कि इसको काट नहीं सकते तो मैं इंतजार में खड़ा हूँ सैलेज वाला जैसे ही आ जाए उसको पेमेंट वगैरह करके सैलेज उतरवा के फिर चलते हैं चाचू के बाग में मेरी घड़ी वापस कर घड़ी वापस कर व्यूअर्स मेरी घड़ी खास गिनती से तू डेंदा नहीं पिया मेरे को अच्छा यार तू मेरी घड़ी मेरे को वापस कर पहले मैं को ये डाल मैं गाल दे जवाब क्या रात जड़े में ते घड़ी टाइम के मंगी है मैं हां मैं ते हां 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 इन्हीं आ वंजो इथों लगा इथों हरा भाई इथों ते को दिसदा नहीं पिया रास्ता सामने व्यूअर्स सैलेज तो हमारा आ गया जिसके इंतजार में बैठे थे हम इजाज इजाज बैठा रूजा इजाज इजाज है भूं वाले पल्ले दे बीच ए लाहा सटो ए गठा है तू देखें चा गठा वाला बगैर छली वाला छली वाला होंगे तू देखें चा वैसे छली भी ना होवे बे मन करन तो बेगा ले लेकिन तू मैं कोई नहीं बढ़िया गालियां चला ए ए अमरे कुकड़ को पहुंच पे क्या कर ले ये वाला कुकड़ दे नेड़े ना लगे तू मेरे को भुला के ना मेरी घड़ी मेरे को वापस कर तू मेरे को बढ़िया गालियां ना ला तू मेरे को मेरी घड़ी वापस कर रात वाली गाल को छोड़ तू मेरी घड़ी वापस कर यो मैं सैलेज लवा के ना पीछे मैं घड़ी छके ना ए को आज क्या ठीक है आगे तक रही नहीं भौंकी आज भौंकन शुरू थी गई है त्रै नौ है ना अच्छा वो वजन शजन दा वो पर्ची शर्ची है दियो मेरे को ए उठा सामने पल्ले दे बीच रखो हर दे किराए तो अलग है बाबा तेरी पर्ची अच्छा आगे पहले तू सा आया वे आगे मैं अच्छा अच्छा धिकलवा टोटल नहीं वजन है ठीक है हां धिकलवा नहीं पल्ला रखना है या मशीन दो मारा मशीन को सटो मशीन को सटो अच्छा जाके ना चिट्ठा पैरा में उतर तो सापा रहता अच्छा फाली में पैरा में उतर भाई ही गाठ जले खुले सो तो वाला उन वाले पा देवनी नहीं वो तो ट्राई हरा चल के लागे अच्छा अरे ये जड़ी गाठ जादू धरी धरी पाड़ी वदी पहले खुलाए है तू ही लवा के देखा हां बता जोर लेना पे इजाज तेरा काम है वो दिक्कत लगा मैं जरी कहा के आए वो डर खुलो वो टायर को लाओ दिखाई दे मैं परला टायर खूब गया परला चलो वजन है ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗੁਜਰ ਦਾ ਭਤਰੀ ਦਾ ਖੱਟੇ ਦੇ ਖਣੇ ਆ ਅੱਛਾ 1600 ਰੁਪਏ ਜਿਆ ਕੇ ਰਬਾਨੀ ਕੋਰਟ ਉਹ ਰੁਣੀਆ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਣਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ 1600 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁਲੇ ਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 1600 ਕੋਣੀ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ 1600 ਚਲੋ ਇਹ ਗਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 1500 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 400 ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਿੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੋ ਜੀ 20 ਮਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕੋ ਚੌਂਕ ਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥਾ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਨਿਕਲ ਬੈਸਣਾ ਤੂੰ ਉੱਡੇ ਵਾਂਜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਕਿੱਦੀ ਵਾਂਜ ਤੋੜ ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾ ਵੀਰੋ ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਕਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਅਬ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਾਪ ਮਤਲਬ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਅਬ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਖੇਚੂਗਾ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਢੇਰ ਹੋ ਸੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਛਿੱਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਈ ਇਵੇਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ ਚਲੋ ਉੱਥਾ ਝਲੈਂਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਥਾ ਮਾਰ ਸ਼ਾਬਾ 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 ਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੱਗ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮੈਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਚੰਗੀ ਬਾਲ ਮਾਰੀ ਓਏ ਇਹ ਬਾ ਮੂੰਹ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਰਿਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾ ਡੱਕੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਨ ਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਧਰ ਚਾਚੂ ਕੇ ਘਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਕੇ ਪਾਸ ਥੋੜਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਧਰ ਹੀ ਗਾੜੀ ਗਰਮ ਤੇ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਾ ਖੜਾ ਉਹ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡੀ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦਸੇ ਸੰਜੇ ਲੈ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਜਮਾਤ ਆਲੇ ਕੋ ਮਿਲ ਗਈ ਨੂੰ ਚਲੇ ਚਲੇ جماعت والے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے امیر صاحب پھر انشاءاللہ نماز ٹائم ملاقات کرتے ہیں آپ سے سات بجے جماعت ہوگی نا سات بجے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ آجو 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 خیال سے اترنا یہاں سے خیال سے خیال سے ٹائم دیکھ لیں سوا آٹھ ہو گئے ہیں میں جو ہے نا نماز عشاء کی پڑھ کے پھر تھوڑا سا جماعت والوں کو ٹائم دیا ہے ویسے ہر کسی کا اپنا اپنا مسئلہ ہر کسی کا اپنا عقیدہ آج تک کسی کے عقیدے کو برا بھلا نہیں کہا نہ یہ عادت ہے لیکن بس ایک بات میں کہوں گا کہ مذہب سے لگاؤ میرا رہا ہے شروع سے بچپن سے مطلب اور رہنا بھی چاہیے یار دین اسلام ہمارا اپنا مذہب ہے مطلب چھوٹے چھوٹے چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے جس کو مسلکی فرق ہم بولتے ہیں تو سب مسلمانوں کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں جماعت والوں کے ساتھ میرے ابو بھی بہت ٹائم گزارتے تھے مجھے بھی کافی شوق ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں اجتماع پر بھی گیا تھا لاہور ریمنڈ دین سیکھنے کا اور پھر سکھانے کا ایک عمل ہے ایک ترتیب ہے بس یہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں جیسے مدارس میں کچھ لوگ دین سیکھنے قرآن مجید حفظ کرنے یا درس نظامی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے یہ بھی ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے ایک فارمیٹ ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ چل کے دین کی بنیادی چیزیں بندہ سیکھ لے اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے کہ وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں تبلیغ والوں کے ساتھ ایک محبت سی ہے مجھے سارے دیندار جتنا بھی دیندار طبقہ ہے جس بھی لحاظ سے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی مجھے ایک دلی لگاؤ سا ہوتا ہے بس ہمارے چاچو جو ہے نا وہ مسلکی اعتبار سے کہ عقائد ڈفرینٹ ہیں وہ تبلیغی جماعت والوں کو درست نہیں سمجھتے لیکن اس کے باوجود خدمت کرتے ہیں دودھ وغیرہ ان کو دیتے ہیں صبح شام اور مطلب کافی اچھی چیزیں ہیں ان میں خیر چاچو کے ساتھ مسلکی اعتبار سے بھی کافی بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے ان چیزوں میں ویڈیوز کا حصہ نہیں بناتا تو کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا کنٹینٹ ڈیلی ولاگنگ ہوتا ہے نا کہ یہ والے بحث و مباحثے اور یہ چیز ابھی بس میں گھر پہنچتا ہوں گھر پہنچ کے ولاگ آج کا ویڈیو یہاں پہ میں اینڈ کر دوں گا آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا دعاؤں میں یاد رکھا کریں کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے کل تک اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر بائے